ये चाइनीज बैम्बू पौधा है, ये सबसे पुराना पौधा है मेरे यहाँ करीबन 10 साल। आज हम इनके कुछ आदतें और कुछ दिक्कतें बताते हैं, शायद आपको पसंद हो और मदद भी हो जाए। 3 months before the plant was in this condition. The leaves have become yellow and dull. Today we'll tell you how I revived the plant into fresh green and healthy foliage. I always share simple, easy, less expensive way of gardening. पहला काम जो हमने किया वो है खूब पानी दिए और खूब शावरिंग किए ताकि पौधा मॉइस्ट रहे। सर्दियों में वेदर ड्राई होने के कारण पत्ते पीले पड़ गए। सूखे पत्तों को नहीं फेंकेंगे बल्कि मल्चिंग के लिए रखेंगे। दूसरे काम जो किए वो है थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग किए थे। खूब शावरिंग करने से जो पीले पत्ते थे उन्हें वापस हरा नहीं होना था बल्कि वो झर गए और नए पत्ते बन गए। अब तीसरे काम जो हमने किए वो है हमने थोड़ी खाद डाले ताकि अच्छी ग्रोथ हो और ग्रीनरी बरकरार रहे। हमने चौथी जो काम किए थे वो है नीम ऑयल स्प्रे किए थे। पांचवी काम, एक दिन भी पानी स्किप नहीं किए इन पर। तो देखिए ऐसे अगर लगी स्टेम्स निकल आए तो उन्हें आप काट लीजिए। काटने से पौधा और भी घना हो जाते हैं और दिखने में अच्छे लगते हैं। आपके बैम्बू पौधा हो या फिर गुड़हल के पौधा, इनके पत्ते पीले नहीं होना चाहिए, है ना? कोशिश कीजिए एक दिन भी पानी स्किप ना हो। वैसे तो बैम्बू पौधा जो है इन्हें खूब नहलाइए, ये अच्छा रहता है। इनको फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, कैसे भी उग जाते हैं। इन्हें गहरा पॉट चाहिए, मिट्टी ज्यादा चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए। आप इस पौधे को प्रोपगेट नहीं कर पाएंगे। अगर करना चाहते हैं तो पूरी पौधा उखाड़ के फिर डिवाइड करनी होगी। बिल्कुल बेस पे इनका लैटरल मल्टीप्लिकेशन होता है जिंजर जैसा। ये पौधा ग्राउंड पे सबसे अच्छा उगता है, धूप इसे कम चाहिए। वैसे तो धूप सभी पौधे को चाहिए होता है, ये बारिश के मौसम में ज्यादा निखर आते हैं। बहुत किस्म के बैम्बू पाया जाता है और उनके हाई प्राइस भी होते हैं। इंडोर्स में बैम्बू डेकोरेशंस के लिए रखते हैं। आप इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कीजिए, कोई दिक्कत वाली पौधा नहीं है। हमने आज तक पेस्ट अटैक नहीं देखे हैं, पर चींटियां लगता है पॉट्स में। मेघालय शिलांग में बैम्बू शूट्स बहुत प्रसिद्ध है। इनके शूट से अचार बनते हैं और सब्जी बनते हैं, लेकिन वो बैम्बू स्पीसीज अलग है। ये ऑर्नामेंटल बैम्बू है, इसे आप बागीचे पे रखिए और बागीचे को सुंदर बनाइए। ये बैम्बू प्लांट अलग ही कलेक्शन होंगे आपके गार्डन पे, है ना? तो आप इसे कोई भी मिट्टी पे लगाइए, कोई भी कंपोस्ट, अगर गोबर खाद देना चाहते हैं दीजिए, पानी दीजिए रोज, हाफ डे सनलाइट पे रखिए, रूटीन नीम ऑयल स्प्रे कीजिए, बस खत्म, और कुछ नहीं। ये तो बेसिक नीड्स है। तो अब अंत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।